वहीं यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 11 बजे तक के आंकड़े सामने आए, जिसके मुताबिक आपको बता दें कि 27.06% मतदान उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक हुआ है। अगर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो प्रयागराज में 11 बजे तक 23.88% मतदान हुआ है। उधर अम्बेडकर नगर की अगर बात करते हैं तो 11 बजे तक 30.02% मतदान अम्बेडकर नगर में हुआ है। आजमगढ़ में 28.60% मतदान आजमगढ़ में हुआ है। बस्ती की अगर बात करते हैं तो 29.80% मतदान बस्ती में हुआ है। भदोही में 25.51% मतदान। डुमरियागंज की बात की जाए तो 27.74% मतदान डुमरियागंज में हुआ है। जौनपुर में 26.81% मतदान हुआ है। वहीं लालगंज में 28.40% मतदान हुआ है। मछली शहर में 27.18% मतदान हुआ है। वहीं फूलपुर में 22.85% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 11 बजे तक 26.35% मतदान हुआ है। और संत कबीर नगर में 27.35% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 26.69% मतदान हुआ है। आखिर में सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं तो 28.05% मतदान सुल्तानपुर में हुआ है। ऐसे में प्रभा देखने वाली बात है, जो सुबह से ही लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, फूलपुर और प्रयागराज लगातार मतदान के प्रतिशत में पीछे चल रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा था, मतदान केंद्रों में भी लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है। ऐसे में ये दो लोकसभा क्षेत्र जो कि अभी तक काफी पीछे चल रहे हैं मतदान प्रतिशत के अगर बात की जाए तो। बिल्कुल दीपिका, फूलपुर और प्रयागराज मतदान प्रतिशत के आधार पर बेहद पीछे हैं, क्योंकि अब संभावना यही है, उम्मीद यही है कि ये मतदान प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोपहर के बाद मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये दो सीटें ऐसी है जहां सबसे कम 11 बजे तक का जो मत प्रतिशत जारी हुआ है, यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है। बाकी सीटों पर फिलहाल ठीक अभी मतदान हुआ है, यानी कि देखिए 30% के आसपास मतदान हुआ है। बाकी और सीटों पर 30% तक मतदान धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन फूलपुर और प्रयागराज दो ऐसी सीटें हैं जहां अभी बेहद कम मतदान हुआ है, और अब उम्मीद यही है कि ये मतदान प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा था और सुबह से ही लोग लंबी कतारों में पहुंच रहे थे। खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में खासा उत्साह हमें देखने को मिला था और महिलाएं काफी उत्साहित होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रही थी, और आज उसी की तस्वीरें आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर मतदाता आज मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। देखते ही देखते देखिए जो 7 चरणों में मतदान संपन्न होने थे, आज 6ठे चरण का मतदान लगभग अपने अंतिम दौर में है। देखा जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी और अब 12:30 बजे का समय हो चुका है, और ऐसे में जो मतदाता है वो लगभग आधी वोटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं अब एक अंतिम चरण का मतदान जो कि 1 जून को होने वाला है, बेहद अहम और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर महासंग्राम जारी है, अग्नि परीक्षा जारी है। तमाम वो बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी है, किसी का बेटा इस बार चुनावी मैदान में है। बिल्कुल दीपिका, अभी जितने भी दिग्गज है चुनावी मैदान में उनकी साख दांव पर लगी हुई है, और तमाम लोकसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताजा अपडेट देंगे क्या कुछ लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल ताजा अपडेट क्या है। मनु प्रतापगढ़ से है, सद्दाम हमारे साथ डुमरियागंज से है, और श्रावणी जौनपुर से हमारे साथ है। सबसे पहले श्रावणी जौनपुर का रुख करूंगी। श्रावणी जौनपुर में क्या अपडेट फिलहाल, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी जारी हो चुका है, अब समय भी काफी हो चुका है, जो अब क्या लगता है कि फिलहाल जो मतदान प्रतिशत तो कितना आगे और बढ़ सकता है? तो चलिए, शायद श्रावणी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, श्रावणी को फिर से सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मनु के पास चलेंगे, प्रतापगढ़ से हमारे साथ है। मनु, प्रतापगढ़ की स्थिति फिलहाल क्या है, अभी अपडेट क्या है? आपको बता दें, जाने समय लगभग 11 बजे तक परसेंटेज वोटिंग की बात, 26% बात, जहां प्रमुख कुमारी ने अभी
4 तारीख को सुबह तो सूर्य उदय होगा, लेकिन शाम को वह भाजपा अस्त हो जाएगा 6 बजे तक। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रचंड बहुमत है हमारे 5वें चरण तक वो 270 सीट का है। वही जहां प्रतापगढ़ में जो सपा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वह 2 लाख मतों से विजयी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मनु, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन है और लगातार चाहे विपक्ष की ओर से हो चाहे सत्ताधारी दल, जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे श्रावणी का। श्रावणी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी दीपिका, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल श्रावणी, क्योंकि आप इस वक्त देखिए जौनपुर में मौजूद हैं। लगातार देखिए 12:30 बजे का समय हो चुका है, कहा जाए कि आधी वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में वहां का जो मतदाता है, अब क्या सिलसिला है, क्या मतदाता अभी भी पहुंच रहे हैं, और अगर संभव हो पाए तो एक बार मतदाताओं से बातचीत करके समझने का प्रयास कीजिए कि किन मुद्दों पर आखिर मतदाता अपना मन बनाकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए फिलहाल हम मौजूद है टीडी डिग्री कॉलेज के सामने, जहां पर बूथ बनाया हुआ है, और यहां पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदान किया है, मतदान कर यहां पर हमारे बीच मौजूद है। और अगर इस मतदान केंद्र की बात की जाए दीपिका, बेहद ही खूबसूरती से मतदान केंद्र को सजाया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर मैसेजेस लिखे गए हैं, पोस्टर्स लिखे गए हैं, साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। अगर जौनपुर की बात की जाए तो 11 बजे तक 26.17% मतदान जौनपुर में हुए, और वही जोश वही उत्साह का अभी भी लोगों के बीच देखी जा रही है। तमाम लोग हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जो वोट लेकर आए, कुछ वोट देने जाएंगे, उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहे जिस पर आज उन्होंने वोट किया है। सर आप कहाँ से? हम बाजीपुर से, यही बाजीपुर से आए हैं। वोट दे दिया आपने? वोट तो दिया, बहुत अच्छा व्यवस्था है, और ऐसा व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ था। मुद्दे क्या है इस वक्त, कौन से मुद्दे? सब ठीक है, जो हो रहा है सो अच्छा है, मोदी जी ने अच्छा व्यवस्था किया है, और पूरे भारत में मोदी जी का डंका बजा है। सर आपने वोट किया है, आपके इस बार मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे जो हमारे धर्म और विकास के साथ जो खड़े हैं उसके साथ हमेशा खड़े हैं मोदी जी को। अच्छा, धनंजय सिंह ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया है, आपको लग रहा है क्योंकि जौनपुर के हैं आप, क्यासी समीकरण बदलेंगे? बदलना चाहिए क्योंकि बसपा फिलहाल मौजूदा से है, इस बार सियासी बदलेगी यहाँ पर? बदलेगा। श्रावणी जरा यहाँ मतदाताओं से आगे जाने का प्रयास कीजिए। वोट देकर आए हैं यहाँ। हाँ, वोट देकर आए हैं। व्यवस्था सबसे पहले बताइए इस बूथ में कैसी है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, वोट का मुद्दा क्या रहा है आपका इस बार? सुरक्षा, जो बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, काम किया है इस बार, मतलब सुरक्षा के मुद्दे पर आप वोट करेंगी। अच्छा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ महिलाओं तक पहुँच रहा है? हाँ, बहुत अच्छे महिलाओं को लाभ पहुँचा है। पहुँचा है? यस। लेकिन अब अगर अभी मौजूदा सांसद की बात की जाए जो बसपा के हैं, उनसे खुश हैं आप? नहीं, हम तो अरे बीजेपी से खुश हैं। मैम आपने वोट दे दिया? बिल्कुल, मैंने वोट अपना दे दिया है, और मैंने अपना वोट राष्ट्र हित में दिया है, देश हित में दिया है, और इस बार 400 पार होना निश्चित है, मोदी सरकार मेरी आ रही है, और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग कैंडिडेट को देख के मतदान नहीं कर रहे हैं जी, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी योगी के नाम पे। हाँ, उनके नाम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं देश के, और विकास विकास को देख के मतदान हम लोग कर रहे हैं। आज जो सरकार प्रशासन चला रही है उसमें महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं, हम लोग प्रफुल्लित हैं, और विकास कार्य हो रहा है, कोई प्रशासन। पिछली बार चुनाव में तो जनता ने बसपा से सांसद श्याम सिंह यादव जी को जिताया था, और अब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आप हैं, तो मौजूदा सांसद ने कोई काम नहीं किया? कभी कभी वो दिखाई नहीं दिए, उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया फील्ड में, कभी वो दिखाई दिए नहीं। और फिर हम लोगों को उनसे अब कुछ लेना ही देना नहीं है, वो जीते है। चाहे हारे, हम लोगों को जब हम ये जानते हैं, इतना पढ़े हैं कि अगर प्रशासन अच्छा है, राजा अच्छा है, तो प्रजा अपने आप खुशहाल रहेगी, और सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सब विकास ही विकास ठीक है। श्यामी आप बातचीत करते रहिए लोगों से, उनका मन टटोलने की कोशिश करते रहिए कि उनके मुद्दे इस बार क्या है, वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। सद्दाम हमारे साथ डुमरियागंज लोकसभा सीट से हैं। सद्दाम, अभी तक का मत प्रतिशत जारी हुआ है, अभी फिलहाल क्या स्थिति मतदान केंद्रों की देखने को मिल रही है? जो सिलसिला सुबह हमने देखा लंबी कतारें मतदाताओं की, क्या अभी भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों की? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि अगर डुमरियागंज लोकसभा के 11 बजे की और प्रतिशत की बात करें तो यहाँ डुमरियागंज लोकसभा में 27.69% जो है वोट पोल हो चुका है। सुबह
जो मतदाता थे उनकी लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की तपन बढ़ती जा रही है जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री है, तो ऐसे में जो मतदाता है वो अब बूथों पे उनका आना कम हो गया है। अब जैसे जैसे गर्माहट कम होगी उसके बाद जो मतदाता है फिर वो अपने घरों से निकलेंगे और फिर अपने मतों का पोल मतों को पोल करके पोल करेंगे। फिलहाल अभी जो बूथों पर है वो स्थिति एकदम सन्नाटे की दिख रही है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में अब तक जो है 27.69% पोल हो चुका है और सिद्धार्थनगर जिले में जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत का अलग दावा कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का अलग दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यही के स्थानीय एक प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी कांतिराम से चौधरी अमर सिंह वो भी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। अगर वही जातीय समीकरण की बात करें सिद्धार्थनगर जिले में, तो सिद्धार्थनगर जिले में सबसे ज्यादा मैनाटी की आबादी करीब 26.5% है, ब्राह्मण 11% है और यादव कमोबेश वो भी 10% है। तो जो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन ने यहाँ से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को ये स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र माने जाते हैं, हरिशंकर तिवारी का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, ब्राह्मण शिरोमणि भी कहा उनको कहा जाता है, तो अखिलेश यादव ने यमुआई फैक्टर के साथ साथ ब्राह्मणों को साधने के लिए यहां से भीष्म शंकर कुशल तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से 3 बार के सांसद जगदम्बिका पाल को 3री बार जो है उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन जो इस सीट पर डुमरियागंज लोकसभा पर वो लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीएसपी ने नदीम मिर्जा पर दांव खेला था, लेकिन नदीम मिर्जा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यहाँ जिले में जो चौधरी अमर सिंह है वो कुर्मी से आते हैं, तो कुर्मियों का भी अच्छा खासा तादाद है, तो ऐसे में अगर चौधरी अमर सिंह की तरफ कुर्मी अगर चढ़ता दिखाई दिया कहीं ना कहीं जो है आजाद समाज पार्टी कांतिराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी तो काफी मेहनत की थी, तो ऐसे में जो यहाँ के दलित मतदाता है उनका भी रुझान जो है वो चौधरी अमर सिंह की तरफ जाता जाता, तो कहीं ना कहीं जो चौधरी अमर सिंह है वो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। लेकिन जो जगदम्बिका पाल है वो भी मजे खिलाड़ी, वो भी कमजोर नहीं है, उनको भी राजनीतिक पैतरा आता है कि कैसे अपने मतदाताओं को अपने पाले में करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो यहाँ के 19.5 लाख करीब मतदाता है वो 6 प्रत्याशियों के भाग का फैसला आज ईवीएम में कैद करेंगे, उसके बाद 4 तारीख को ही यहाँ से परिणाम आएगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि यहाँ पर जो जीत का सहरा हो किसके सरपस्ता है। जी बिल्कुल, देखिए सद्दाम, क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम समीकरण का पूरा बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया है, ऐसे में अगर इतिहास में नजर डाले समाजवादी पार्टी जो कि MY फैक्टर को लेकर आगे बढ़ती थी, लेकिन इस बार की जब हम बात करते हैं तो शुरू से ही चुनाव की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में जब से आई है पीडीए का नारा दिया जा रहा है, पीडीए के आधार पर इस बार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर पीडीए को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है तो धरातल पर ये पीडीए को कितने हद तक समाजवादी पार्टी साध पाई है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव की जब यहाँ डुमरियागंज लोकसभा में एक जनसभा हुई थी तो ऐतिहासिक भीड़ हुई थी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया था कि बीजेपी के लोग जो 400 का नारा दे रहे हैं अगर वो 400 सीटें लेकर आए तो संविधान खतरे में, तो कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता उसके दिमाग में बैठ गया है कि जो ये बीजेपी के लोग हैं ये इस बार संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव को जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी समुदाय का वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, हालांकि तमाम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सारे प्रत्याशियों का चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी के प्रत्याशी हो उन सारे लोगों का खेला अगर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं तो चौधरी अमर सिंह ही यहाँ से कर रहे हैं। जी ठीक है सदा, हम आपके पास लौटते हैं। श्रावणी लगातार जौनपुर से हमारे साथ बनी हुई है। श्रावणी, जौनपुर का सियासी समीकरण आपने देखा, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, आम जनता के मुद्दे कई इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिले हैं, वो चाहे लोकल मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, और अगर प्रत्याशी को लेकर जिक्र हमेशा ये होता है कि प्रत्याशी बाहरी है या फिर प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र का ही है, ये भी बड़ा फैक्टर चुनावी मैदान में देखने को मिलता है। जौनपुर में
प्रत्याशियों को लेकर क्या स्थिति है, उनकी छवि को लेकर जनता के बीच में क्या राय है वो भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल परिधि, क्योंकि आपने बाहरी और स्थानीय का जिक्र किया है, यहाँ की जनता से ही जान लेते हैं कि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है। आपका नाम? मेरा नाम अमन गम है, मैं जौनपुर का निवासी हूँ। अच्छा अमन, ये बताइए प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, कृपा शंकर सिंह को उतारा गया, कहना है कि वो बाहर के हैं, स्थानीय नहीं है, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जनता? मैम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मैम, लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी और योगी जी के कार्य को देख के देते हैं, तो इनका कार्य इतना बढ़िया, इतना देश के लिए इतना बढ़िया बढ़िया। मुद्दा क्या, आपने वोट दिया? मैंने वोट दिया क्या? मैम मेरा मुद्दा है, मैं जो हूँ रोजगार फैमिली से आता हूँ, बनियागिरी से आता हूँ, लोग जो बनिया कहते हैं ना हिंदी शब्द भोजपुरी शब्द, मैं बनिया वर्ड से आता हूँ। मैम यहाँ पे छोटे छोटे बनियाओं के लिए इतना दिक्कत हो रहा है। मैम किसानों के लिए सम्मान निधि योजना है, सभी लोगों के लिए निधि योजना है, मैम बनियाओं के लिए क्या योजना है? बनिया एक सुबह 5 बजे से दुकान खोलता है, 7 बजे से, और रात के 10 बजे तक दुकान खोलता है। कोई चीज होता है, लॉकडाउन कुछ भी हुआ, हमेशा बनिया ही सेवा किया है, बनिया ही मेहनत करता है, लेकिन बनिया के लिए कोई मुद्दा नहीं है देश में। आपने वोट दिया है ना? मैंने वोट दिया है। चलो बात पहुंच गई होगी आपकी। मैम आपने वोट दिया? बिल्कुल दे दिया मैंने। क्या मुद्दे रहे हैं आपके? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है, हमारा मुद्दा है नारी सुरक्षा का है, हमारा मुद्दा है कि मोदी जी एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जो भी सुविधाएं हमें मिली हैं उससे बेहतर सुविधाएं हमको और हमारे नारी शक्ति को, हमारे समाज को, हमारे पूरे देश को मिले। मैम आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा बस और बस मात्र सुरक्षा है, जिसमें हमारा आत्मसम्मान और हमारा स्वाभिमान जिस भी व्यक्ति ने देखा वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारा मुद्दा तो बस वही है। बाकी मुद्दा तो प्रधानमंत्री बखूबी निभा रहे हैं, उसमें तो कोई सवालिया निशान ही नहीं है। ठीक है सर, सबसे पहले तो पोलिंग बूथ में आपने वोट दिया है, व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा जो मॉडल मतदान केंद्र बना, बहुत सुंदर बना हुआ है। और मुद्दे क्या है सर, क्योंकि आप अभी वोट देकर आए हैं, आपके मुद्दे क्या कुछ है? देखिए हमारा मुद्दा मेन है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बने, और भारत का जो जिस प्रकार से नाम पूरे विश्व स्तर पर ख्यात इसकी हो रही है, ये पूरे विश्व स्तर पर ख्यात हो, भारत परम वैभव को पहुंचे, मेन हम लोगों का मुद्दा। बाकी यहाँ जो लोकल विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ के धनंजय सिंह के मैदान में कितना बदला है, चुनावी समीकरण में ऐसा कुछ बहुत नए बंदा है, तो रहते सब पर भी हम लोगों का यहाँ सब रहा, उनके बदलने से थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कुछ है। चुनौती या फिर टक्कर लग रहा है आपके साथ, बसपा की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कोई किसी से टक्कर नहीं है। भाजपा 450 पार कर रही है, 450 लोग 400 कर रहे हैं, मैं 450 का चैलेंज कर रहा हूँ। इसी के साथ जो है जुमलेबाजी कुछ नहीं, हम लोग काम की मुद्दा और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सर, आपने वोट किया? हम राष्ट्रहित में जो है वोट किया, ऐसा दिखा दीजिए कि वोट, मैं राष्ट्रहित में वोट किया हूँ और किया हूँ, और भाजपा सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है, सुरक्षित इसी में सभी जनता इसी सरकार में सुरक्षित है, और कोई सरकार इससे अच्छी नहीं है, न जनता सुरक्षित है, ये आप जानते रहिएगा। बिल्कुल दीपिका, तो ये जौनपुर की जनता है, उन्होंने अपने तमाम मुद्दे, जब आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में वहां के जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे राजा भैया के फैक्टर को लेकर भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि धनंजय सिंह को कन्विंसिंग करने की जो पावर कही जा रही थी कि वो राजा भैया ने ही कन्विंस किया था धनंजय सिंह को बीजेपी के खेमे में जाने के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। ऐसे में अब जब राजा भैया ही उनका जो वोट बैंक है वो छिटकता हुआ समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है, तो राजा भैया कितना बड़ा फैक्टर वहां पर है जौनपुर में, जौनपुर की जनता क्या सोच रही है, जरा ये भी बातचीत करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दीपिका बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं यहाँ पे पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा दूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथ को सजाया गया है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, और जौनपुर की जनता दीपिका अपने आप में ही जागरूक है, सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, हालांकि
करके एक बजने वाले हैं और गर्मी काफी ज्यादा है, धूप काफी ज्यादा है और ऐसे में लोगों की संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर सेल्फी बूथ बनाए गए जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं सेल्फी के लिए, जहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर फिलहाल मौजूद है यहाँ पर दीपिका, और यहाँ पर अब मतदान के बाद फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। और हमारे बीच धीरेन्द्र जी भी, देवेंद्र जी भी मौजूद है क्योंकि आप समीकरण की बात कर रहे हैं, देवेंद्र जी से यहाँ पर बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्योंकि आप जौनपुर के हैं और यहाँ के राजनीति को करीब से जानते हैं और समझते हैं, जो चुनावी समीकरण आपने फील्ड में देखा है वो क्या रहे जौनपुर का, धनंजय सिंह का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में, और इसके साथ ही प्रतापगढ़ में अगर राजा भैया की बात करें, उन्होंने अपने हाथ खींच ले कहीं ना कहीं अपने समर्थन से, तो क्या असर, क्या कुल मिला के समीकरण पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि हम लोग आज जिस हिसाब से सुबह से फील्ड में घूम रहे हैं कि धनंजय सिंह के गाँव में भी गए थे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो उत्साह नहीं है जो धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के समय होता था, क्योंकि जब हम लोग पहुंचे थे मात्र 20 वोट पड़े थे, धनंजय सिंह आने के बाद थोड़ा सा वहां पर थोड़ा मतदाताओं में उत्साह। चलिए ठीक है श्रावणी, आप नजर बना के रखिए, फिर से लौटेंगे आपके पास।